तो चलिए गाइज, आज हम करेंगे क्लास 8 फिजिक्स के इम्पोर्टेंट सा चैप्टर जिसका नाम है फ्रिक्शन, और आज है इसका लेक्चर नंबर 3। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को नहीं देखा की बात कर रहा हूँ, अगर नहीं देखा तो फिर से वो जाके देखिए पहले और फिर इस लेक्चर में आना, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेक्चर होने वाला है। और एक बार मैं बोल रहा हूँ, आप रिविजन करिए दो लेक्चर्स की। अगर आपने दो लेक्चर्स की रिविजन भी नहीं की तो रिविजन भी करना मत भूले, क्योंकि रिविजन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है आपके लाइफ में, आप अगर स्टूडेंट हो तो। ठीक है, तो चलिए आज ये लेक्चर नंबर 3 फ्रिक्शन का, क्लास 8 साइंस का, क्लास 8 फिजिक्स का। तो चलिए इस लेक्चर को करते हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेक्चर, इजी सा कंसेप्ट ही होगा इस लेक्चर में भी, ज्यादा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए फ्रिक्शन क्लास 8 साइंस। अब यहाँ देखिए, यूजफुल फ्रिक्शन की बात की जा रही है। यूजफुल फ्रिक्शन आपको भी पता है क्या होता है, जो फ्रिक्शन है पूरे मतलब सब तरफ यूजफुल है, ऐसी कोई चीज नहीं है जहां फ्रिक्शन यूजफुल नहीं है। ठीक है, फ्रिक्शन इज यूजफुल फॉर मेनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज। फ्रिक्शन हर तरफ यूजफुल है। आप देखिए, मतलब आप चलते हैं, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करते हैं, उस समय फ्रिक्शन आता ही है। आप ड्राइविंग करते हैं, जो कार्स के टायर्स आपने देखे होंगे, वह हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर आप उस मतलब टायर पर ऐसा हाथ रखोगे तो आपको लगेगा कांटे चुभ रहे, ऐसा आपको फीलिंग आएगा, और वो कांटे रबर के होते हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शन आपके लाइफ में। तो फ्रिक्शन पूरे अर्थ पर 0 न्यूटन हो नहीं सकता। ठीक है, और अब हम पढ़ रहे हैं यूजफुल फ्रिक्शन। ठीक है, अब देखिए, फ्रिक्शन इज यूजफुल फॉर मेनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज। बहुत सही। तो चलिए, हाँ, इट इज पॉसिबल टू होल्ड अ टम्बलर। मैंने आपको अभी बोला कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड कर पाते। किसी भी ऑब्जेक्ट को क्यों होल्ड कर पाते, क्योंकि आपके हैंड और वो जो ऑब्जेक्ट है उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द हैंड एंड द टम्बलर। ठीक है, फ्रिक्शन बिटवीन द फीट एंड ग्राउंड हेल्प अस टू वॉक। मैं आपको अभी बोला, वॉकिंग, रनिंग, ड्राइविंग कार, ऐसे एक्टिविटीज में फ्रिक्शन का बहुत बड़ा हाथ होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रिक्शन बिटवीन द फीट एंड ग्राउंड हेल्प अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड। ठीक है, वॉकिंग में भी फ्रिक्शन का हाथ है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम वॉक नहीं कर पाते। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इट इज पॉसिबल टू राइट विथ अ पेन और पेंसिल ऑन अ पेपर। जो पेन होता है, आप जिससे लिखते हैं, आप जो अभी नोट्स लिख रहे हैं, ठीक है, वो पेन और जिस पेपर पर, जिस कॉपी पर आप लिख रहे हैं, उन दोनों के बीच भी फ्रिक्शन एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। और फ्रिक्शन ही यूजफुल है उस समय। अगर फ्रिक्शन 0 न्यूटन होता, आपके पेन और आपके पेपर, आपके जिस भी कॉपी पर लिख रहे हैं, उसमें फ्रिक्शन 0 न्यूटन होता तो क्या होता, स्लाइड होती है। मतलब आप लिख रहे हैं तो फ्रिक्शन 0 न्यूटन और आपका हाथ फिसल जाता, ठीक है, पेपर पर। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड ड्यू टू फ्रिक्शन। जो चॉक और ब्लैक बोर्ड के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन ही होता है। फ्रिक्शन ही बहुत बड़ा कारण बनता है। आप यहाँ देखिए, ये जो लड़की है, ये क्या कर रही है, एक ऑब्जेक्ट को होल्ड कर रही है। और ये देखिए, हम लिख भी पाते हैं फ्रिक्शन की वजह से, हम ब्लैक बोर्ड पर भी लिख सकते हैं और हम वॉक भी कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज द फ्रिक्शन इज द मोस्ट यूजफुल फोर्स। ठीक है, तो चले आगे, हमने सीखा यूजफुल फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है, अब हमने ये सीख लिया। वैसे फ्रिक्शन इन दो चार एक्टिविटीज में माहिर नहीं है, बहुत हम इन्फिनिटीज आर देयर। हम कह नहीं सकते कि फ्रिक्शन इतना हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट है, और पूरे अर्थ पर फ्रिक्शन 0 न्यूटन हो ही नहीं सकता। ठीक है, पूरे अर्थ पर फ्रिक्शन 0 न्यूटन हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसलिए फ्रिक्शन बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चले आगे, हमने 4 पॉइंट देखे, 4 यूजफुल यूजर्स देखे फ्रिक्शन के। आखिर फ्रिक्शन किस में हमें हेल्प करता है, रनिंग में भी हेल्प करता है, ड्राइविंग का कार में भी हेल्प करता है। हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं उसमें फ्रिक्शन हेल्प करता है। ठीक है, तो चलिए आगे, यूजफुल फ्रिक्शन के आगे चलते हैं। यूजफुल फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू एनी वन ड्राइविंग कार। मैंने आपको अभी बताया, जो आप कार को ड्राइव करते हैं उस समय जो कार होती है, कार जो होती है, जो आप चलाते हैं, उस कार के आप टायर को जरा गौर तरीके से देखिए तो आपको पता चलेगा कि वहां हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगी और वो थोड़ा रफ होगा, क्योंकि
फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए ब्रेक जब आप दबाते हैं तो वो ब्रेक लग जाए, इसलिए वो एक यूजफुल थिंग है फ्रिक्शन की। हम फ्रिक्शन को इंक्रीज भी कर सकते हैं और रिड्यूस भी कर सकते हैं, दो भी, मतलब जब हमें जरूरत हो रिड्यूस करने की कर सकते हैं, अगर इंक्रीज करने की जरूरत है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ग्रूव टायर ट्रेड्स आलो इसी मैप में आप देख सकते हैं। वैसे देखिए यहाँ जो शूज है, शूज को कैसे मतलब रफ कर दिया गया है कुछ डिजाइन लगा के। क्यों रफ कर दिया गया है? आपका पैर जब आप वाटर में चलते हो उस समय फिसले ना, जब आप ऑयली मतलब स्मूथ सरफेस पे चल रहे हो तो तब आपका जो हाथ है मतलब आपका जो पैर है सॉरी वो फिसले ना, आपका शूज फिसले ना और आप गिर जाओ ना, इसलिए फ्रिक्शन को इंक्रीज किया जाता है। कुछ डिजाइन लाइक स्ट्रक्चर आपके शूज के नीचे होता है, ठीक है, शूज के नीचे होता है। तब आप देखिए ग्रूव टायर ट्रेड्स आलो स्पेस, इसी इमेज में आपको नजर भी आ रहा है ग्रूव, देखिए, और शूज आर डिजाइन टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। ठीक है, अब मैंने आपको और एक बार बता रहा, फ्रिक्शन को इंक्रीज भी किया जा सकता है और डिक्रीज भी किया जा सकता है। ठीक है, लिख लिया आपने ये सब, लिख लिए पॉइंट्स, पहले लिख लो यूजफुल फ्रिक्शन। ये दो स्लाइड्स यूजफुल फ्रिक्शन की इसलिए दिखाई गई है क्योंकि जो फ्रिक्शन की यूजेस है वो इन्फिनिटी है, हम कह नहीं सकते इतना हमारे लाइफ में फ्रिक्शन इंपॉर्टेंस रखता है। लिख लीजिए, चलिए अगर आपको मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में तब आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे की स्लाइड पर बनते हैं। अब यहाँ देखिए क्या दिया गया है, फ्रिक्शन एड एनर्जी, फ्रिक्शन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन अ मशीन विद अ मूविंग पार्ट्स, जो पार्ट मूव करता है वह फ्रिक्शन होता ही है। ठीक है, जो पार्ट मतलब इस अर्थ पर मूव करता है वह फ्रिक्शन होता ही है। आप देखिए ना, आप चलते हैं, आपकी जो बॉडी है वो मूव कर रहे हैं लेकिन फ्रिक्शन जरूर है। आप किसी मतलब बॉडी को उठाते हैं, होल्ड करते हैं, ऑब्जेक्ट को होल्ड करते हैं, वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस समय लेकिन फ्रिक्शन होता ही है। मतलब इससे हम पता चला फ्रिक्शन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन अ मशीन विद मूविंग पार्ट्स, जो भी मशीन्स, ठीक है, जो भी मशीन्स होती है उसमें फ्रिक्शन जरूर होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इफ द मशीन इज स्मॉल और द फोर्सेस आर लो, देखिए इफ द मशीन इज स्मॉल and the forces are low, the amount of heat produced friction may be also small. देखिए वैक्यूम क्लीनर, या वैक्यूम क्लीनर में आपको वो नजर आ रहा है। और देखिए यहाँ, अब यहाँ देखिए मतलब फ्रिक्शन हर समय हर पूरी तरह फ्रिक्शन होता ही है। ठीक है, अब यहाँ, और ईच टाइम टू मूविंग सर्फेसेस टच ईच अदर टाइनी बिट्स ऑफ पार्टिकल आर ब्रोकन ऑफ बाय फ्रिक्शन, मतलब दोनों सर्फेसेस अगर मूव कर रहे हैं, दोनों, देखिए मैं दोनों सर्फेसेस को मूव कर रहा हूं तो क्या होता है, कुछ टाइनी पार्टिकल जो होते हैं उन दोनों के बीच में वो ब्रेक हो जा सकते हैं। आपने देखा होगा, आप दो स्टोन्स लीजिए, स्टोन्स को मतलब आप रब कीजिए और उस समय आपको लगेगा कि कुछ टाइनी पार्टिकल जो है किसके, उन स्टोन्स के, वो टूट जा रहे हैं फ्रिक्शन की वजह से, ब्रेक डाउन हो जा रही है। ठीक है, ब्रेकिंग, अब यहां देखिए ब्रेकिंग ऑफ बिट्स ऑफ मटेरियल यूजेस एनर्जी, मतलब एनर्जी ही। आप देखिए, अब देखिए आपने स्टोन्स को क्या किया, रब किया, और रब करने के बाद क्या हो गया, आपने क्या किया, रब करने के बाद हीट प्रोड्यूस हो गई, और हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है ना, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ पार्टिकल जो होता है उसमें एनर्जी जनरेट हो जाती है। ये यहाँ बताया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए कार इंजन भी दे दिया गया है, कार इंजन में भी फ्रिक्शन होता है। ठीक है, चलते आगे। अभी अब पहले आपने नोट्स लिख लिया ना, पहले नोट्स को लिख लीजिए। ठीक है, अब हम चलेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन के पास। फ्लूइड फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जर्टेड बाय, फ्लूइड का मतलब ही है, ठीक है, लिक्विड एंड गैसेस, जो भी लिक्विड एंड गैसेस है वो मतलब वो ही फ्लूइड है। ठीक है, और फ्लूइड फ्रिक्शन का मतलब है लिक्विड एंड गैसेस में का फ्रिक्शन। ठीक है, लिक्विड एंड गैसेस में का फ्रिक्शन मतलब फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, फ्लूइड फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस ऑन द ऑब्जेक्ट,
on the object moving through them. Fluid friction depends on speed of object, shape of object, nature of field. फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? एक तो शेप, मतलब उसका सरफेस, वो कैसा सरफेस है, रफ है या स्मूथ है, उस पे, और नेचर ऑफ फ्लूइड, ठीक है, नेचर ऑफ फ्लूइड पे. अब यहाँ देखिए, बर्ड्स फ्लाइंग इन एयर हैव स्ट्रीमलाइन टू बॉडी रिड्यूस द फ्लूइड फ्रिक्शन. मतलब स्ट्रीमलाइन का आपको पता है क्या होता है? स्ट्रीमलाइन मतलब एक कट. आपने देखा होगा कि जो फिशेस होती है, जो फिशेस आपने देखी होगी, वो फिशेस कैसी होती है, एकदम उनमें एकदम पॉइंटेड, उनका जो हेड होता है एकदम पॉइंटेड होता है. क्यों होता है? आपने सीजर देखी है ना, सीजर, वो कैसे किसी भी पेपर को कट करती है, क्योंकि वो पॉइंटेड होती है. वो पॉइंटेड होती है इसलिए क्या होता है, जो पॉइंटेड चीजें होती है ना, वो कट कर सकते हैं. और वो फिश क्या करती है या और बर्ड्स क्या करते हैं, वो क्या करती है, कट करती है. बर्ड्स को फ्रिक्शन रिड्यूस करना है इसलिए उस एयर को कट करती है. किससे? जो पीक होती है बर्ड्स की, उससे. और जो फिशेस होती है, किससे? जो उनका हेड होता है, पॉइंटेड हेड, ठीक है, उससे वो वाटर को कट करती है और आगे जाती है. इसका मतलब स्ट्रीमलाइनिंग कैन रिड्यूस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट का पॉइंट है. स्ट्रीमलाइनिंग मैंने आपको बता दिया, जो उनका एडेप्टेशन ही ऐसा है, भगवान ने उन्हें बनाया ऐसा है कि अगर वो पानी में भी है, एकदम डीप में, मैं आपको बता दूं, अगर आप सी के बॉटम में जाए तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता. अगर आप किसी भी मतलब सी वाटर के बॉटम में जाए तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता. और ठीक है कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता. लेकिन जो फिशेस होती है, ऐसे जो फिशेस होती है, उनका जो हेड होता है वो बहुत पॉइंटेड होता है. और पॉइंटेड हेड होता है इसलिए ये ही हेड क्या करता है, कारण बन जाता है कि वो कट करते हैं वाटर को और फ्रिक्शन को भी रिड्यूस कर देते हैं. और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिशेस लिविंग इन वाटर हैव स्ट्रीम लाइन बॉडी टू रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन. मैंने आपको बता दिया वो क्या करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करते. कर भाई फ्रिक्शन को रिड्यूस कर, क्योंकि तेरे पास इतना बड़ा पॉइंटेड हेड है, तू कर सकता है फ्रिक्शन को. मतलब आप जैसे सीजर से पेपर को काटते हैं, वैसे ही वो फिशेस पॉइंटेड हेड से वाटर को काट देती है ताकि उनको आगे जाने में कोई दिक्कत ना आए. आगे जाने में मतलब एक रास्ता बने, एक रोड बने आगे जाने में, और वो आगे जा सकती है, मूव कर सकती है, हिल जा सकती है सी के बॉटम में भी, ठीक है, यही बताया गया है. ठीक है, सी के बॉटम में भी आप चले जाओ, मतलब हम अगर ऑक्सीजन मतलब उसकी सब व्यवस्था कर दी गई और हम सी के बॉटम में चले गए, तब भी हम हिल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा देखिए शरीर, हम जो हेड है वो पॉइंटेड नहीं है. ठीक है, हम उनका जो हेड होता है, आपने देखा होगा, नेल की तरह होता है, इतना पॉइंटेड हेड होता है कि वो वाटर को कट कर सकती है वाटर को. अब यहाँ देखिए, फिशेस लिविंग इन वाटर हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी. और मैंने ये सब बता दिया, और अगर आपने कुछ नोट्स मतलब नहीं लिखे तो लिख लीजिए, फास्ट क्विक नोट्स को लिख लीजिए, नोट्स को पहले लिख लीजिए, लिख लिए नोट्स, चले आगे, तो चलते हैं. चलिए, अब देखिए, आज हमने क्या पढ़ा, फ्लूइड फ्रिक्शन पढ़ा, और ये सब बातें आज हमने पढ़ ली. आखिर फ्रिक्शन कैसे रिड्यूस किया जा सकता है और क्या क्या यूजेस होते हैं फ्रिक्शन के, आज हमने पढ़े. तो तब तक सबके लिए थैंक यू. और आगे आपको क्या करना है, रिवीजन करनी है चैप्टर की, जो भी आप चैप्टर करेंगे उसकी आपको रिवीजन करनी है. और रिवीजन को भूलना मत, क्योंकि रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन योर लाइफ. मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको, ठीक है, रिवीजन करिए चैप्टर की, जो भी आप चैप्टर करेंगे उसकी क्या करिए, आप रिवीजन करिए. और इस लेक्चर को कंप्लीट देखा है तो नोट्स जो आपने बनाए हैं वो एकदम मतलब अट्रैक्टिव लगे. जैसे मैंने यहाँ देखिए थैंक यू कैसा अट्रैक्टिव लिखा है, ये थैंक यू, तो वैसे आपके नोट्स अट्रैक्टिव होने चाहिए. जब मैंने थैंक यू लिखा तो आपको आनंद आया होगा कि मैंने कंप्लीट लेक्चर, क्योंकि ये इमेज ही ऐसी है जिससे आप अट्रैक्ट हो जाते हैं
और आपको लगता है और एक लेक्चर करूँ, और एक लेक्चर ऐसा ही आपको करना चाहिए, आपको लगना चाहिए और एक बार और एक चैप्टर की रिवीजन करूँ, ठीक है। इसलिए नोट्स अपने अट्रैक्टिव बनाए, सब हैंडराइटिंग अच्छी अच्छे से नोट्स लिखे और रिवीजन करिए, ठीक है। और तब तक अगले लेक्चर का वेट करिए, और तब तक स्टे ट्यून्ड, ठीक है। आपको अगले लेक्चर का वेट करना है, स्टे ट्यून्ड रहना है, कुछ भी घबराहट नहीं है, हम अगला लेक्चर भी सुन डालेंगे, कुछ भी घबराहट जैसी चीज नहीं है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अगला लेक्चर भी सुन आएगा, हो सकता है हम अभी डाले, मतलब थोड़ी देर बाद डाले, हो सकता है ये लेक्चर कल डाले, हो सकता है, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि हम लेक्चर डेली डाले, ठीक है, डेली नहीं तो 6 days in a week डाले, हो सकता है, ठीक है। हम प्रयास कर रहे हैं कि हम ये लेक्चर 6 days in a week डाले, और मतलब तब तक आपको क्या करना है, रिवीजन में और एक बार बोल रहा हूँ, रिवीजन करिए, स्टे ट्यून्ड और स्टे सेफ, तब तक पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है।